स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूं, ये आपके पास होंगे डॉक्यूमेंट्स, ना हो तो अपने पास रख लीजिए निकाल के, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको पर्पस अपना ढूंढना है, इसमें से आप एक दो तीन चार जितने भी आप ढूंढ सकते हो उतने ढूंढ लीजिए, ये आपके काम आएंगे, ठीक है। ठीक, उसके बाद में मैंने दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए थे जिसमें पहले नंबर पे है एनजीओ वॉलंटियर। अगर आपको वॉलंटियर चाहिए तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वॉलंटियर्स हैं, फ्री में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज के भी हैं वॉलंटियर, लेकिन वॉलंटियर आपको, और वो पता है वॉलंटियर वो फीस देते हैं, आपको उल्टा पैसा देंगे आप के यहां वो आएंगे पढ़ाएंगे, क्योंकि अंग्रेज बड़े अच्छे होते हैं दिल के, वो हेल्प करना चाहते हैं, वो हम लोग की तरह नहीं होते हैं कि हम सिर्फ लेना चाहते हैं, है ना, वो देते हैं, वो देना चाहते हैं वो लोग। हम लोग क्या है, हम लोग हैं पापा, पापा मतलब पापा मतलब बस पाते रहते हैं, लेते नहीं देते नहीं, सॉरी बस पाना है हर चीज, जो कुछ भी है पाना है, पापा है हम लोग है, वो लोग देते हैं, देने से चीजें बढ़ती है। वो आते हैं हमारे देश में और उल्टा फीस दे के आते हैं, आपको पैसे देंगे आपको, ठीक है। तो वॉलंटियर्स बनाइए, और नहीं है तो आपके पास अपनी टीम के लिए भी आप अपने आज से सदस्यता अभियान शुरू कर दीजिए, अच्छे अच्छे लोगों को अपनी संस्था में जोड़िए और पैसे वाले लोगों को जोड़िए, क्योंकि वो आपको हर चीज से मदद करेंगे। भिखमंगों को मत अपनी संस्था में जोड़िएगा, हमारी तरह जो हो, जो पैसे मांगते रहते हो वो, है ना, हर वक्त के पैसे लाओ पैसे लाओ। तो पैसे वाले लोगों को जोड़िए, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, है ना, अधिकारी हैं, विधायक हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, है ना, उनको, बड़े बड़े लोगों को अपनी संस्था में आप सम्मानित करिए, बुलाइए, उनको ऐड करिए। हाँ, तो आपको बेनिफिट होगा, वो आपको तन मन धन से हेल्प करेंगे। लोग तीन तरीके से नहीं हेल्प करते हैं, कोई तन मन धन तीनों तरीके से करना होता है। आप तो तीनों तरीके से मेरी हेल्प कर रहे हैं, आप तन मन धन तीनों तरीके से जुड़े हुए हैं। जो लोग उससे धन से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएं धन से, ठीक है। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर्स हैं और मैं आपको दे दूंगा जो आपके यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा है, आप पहले नंबर पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, जो मुस्लिम समुदाय में काम करना चाहते हैं, जो माइनॉरिटी में वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए एक उर्दू डिप्लोमा कोर्स है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, ये वाला नहीं है, फोल्डर कहाँ गया, एक सेकंड मैं अभी करता हूँ, ये तो एनजीओ वाला आ गया, एक सेकंड मैं अभी 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 बस रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी मेरी, पता ही नहीं चली, आधी से ज्यादा पता नहीं कहाँ चली गई और आधी से ज्यादा पता नहीं किधर है। इंडियन फंडिंग एजेंसीज, हाँ ये देखेंगे इंडियन फंडिंग एजेंसीज आप देखिएगा। देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से, अगर स्क्रीन शेयर ना हो तो मुझे बताइएगा, इसीलिए मैंने आप लोग को डॉक्यूमेंट्स पहले दे दिए कि आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है तो मुझे बताइए चैट में, दिख रहा है ना, ये इंडियन फंडिंग एजेंसीज है। अब ये इंडियन फंडिंग एजेंसीज ये है, हो रहा है ना स्क्रीन, अब हो रही है, हाँ ठीक ठीक है। ये इंडियन फंडिंग एजेंसीज, इनको देख लीजिए, ये देखिए ये यहां पे सब वेबसाइट दी हुई है, ये AMM फाउंडेशन इसका पूरा है, ये थोड़ा चेक करिए आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ये अहमदाबाद है कम्युनिटी फाउंडेशन, MET है, ये अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है जिसमें मैंने बहुत काम किया है, दिल्ली कमीशन है, ये है, ये सब इंडियन फंड इंडियन। आप लोग जो क्वेश्चन करते थे ना मुझसे कि सर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, भाई ये यहां से हो जाएगा सर, जैसे ही आप क्लिक करते हैं चली जाती है। अच्छा ठीक है, मैं क्लिक नहीं करूंगा ठीक है। अब ये देखिए आप, ठीक है मैं क्लिक नहीं कर रहा, अब तो दिख रही है, मैसेज कर दीजिए, मैसेज
मुझे मैसेज करिए, मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं क्लिक नहीं करूंगा, अब तो दिख रही है ना, ठीक है। ये है नाम, और आपके पास हैं ये डॉक्यूमेंट्स, इसी नाम से हैं आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये इस नाम से हैं। ये देखिए फोल्डर है मैंने दे रखा है, ये इंडियन फंडिंग एजेंसी, अगर नहीं होंगे तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं दोबारा फिर भेज दूंगा। इंडियन फंडिंग एजेंसीज के नाम से है, इंडियन गवर्नमेंट फंडिंग के नाम से है, गवर्नमेंट फंडिंग के नाम से है, सीएसआर फंडिंग कंपनीज, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज, एनजीओ वॉलंटियर्स है, पब्लिक वाला है ये नोटिसेबल, ये उर्दू वाला है, ठीक है, ये मेरी वीडियोज हैं ये फालतू वाली, ठीक है। गई, क्लिक करते हैं, गई, अच्छा ठीक है, मैं क्लिक नहीं करूंगा, ये आप देखिए ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है, अब तो दिख रहा है। तो ये मैंने इसीलिए तो आपको दे दिए थे क्योंकि ये शो नहीं हो पा रहे थे, इसमें कुछ कुछ मसला आ रहा है। खैर, वो आपके पास है लिस्ट, आप चेक कर लीजिएगा, और ये इसकी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसको रिकॉर्ड आप देखिएगा और फिर उसको देखिएगा, फिर उसको देखिए, फिर उसको देखिए, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक, तभी कहते थे पढ़ ले भैया, तब तो कहते तुम्हारी दम हो तो पढ़ा के दिखाओ, है कितने लोग ऐसे थे जो कहते थे कि तुम्हारी दम हो तो पढ़ा के दिखाओ। मिनहाज कौसर अब आई है बहुत देर में, जब सब कुछ हो गया खत्म, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तब पछताते हैं लोग, पछताना नहीं चाहिए, बहुत लेट कर दिया आपने, हाँ जी टाइम का ऑनर क्या कीजिए। हाँ मैं टाइम का ऑनर करता हूँ, कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता हूँ बिजी। खैर ठीक है, तो रेज हैंड जी, मैसेज मैसेज मैसेज, चैट चैट करिए, चैट करिए, चैट चैट में, चैट में रिप्लाई, मैं वो यहां से वो कर नहीं पाता हूं, मैं आस ऑल टू अनम्यूट, मैं अनम्यूट नहीं कर पाता हूं इधर से, मैं अभी थोड़ा थोड़ा नया हूं काफी सारी चीजों में। ये है सुमंगला जी, अभी अभी करा है या पहले का है रेस, मैसेज कर दीजिए ना चैट में अगर कोई दिक्कत हो, बाकी फोन नंबर है ही, फोन कर लिया करिए, है ना। पढ़ाई में तो मैं भी नहीं करता था पढ़ाई। खैर, तो ये देखिए इनको तीन प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अभी के अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीज हो गई, और हाँ दो दो चार चीजें और हैं बहुत जरूरी जरूरी जरूरी, नोट 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 करेंगे नोट। बाय 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 बाय। रैप का किसी को है शौक, गाने आने का है, हमारे अंदर आ जाता है भूत पता नहीं कहां से कभी कभी। अरे हाँ, दो तीन चीजें नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट, रजिस्टर पेन कॉपी रोज लेके बैठा करिए भाई साहब, वरना लफड़ा हो जाएगा, है ना। दो तीन चीजें नोट करिए जल्दी फटाफट फटाफट। ठीक, पहले नंबर पे आपको एक सदस्यता की लिस्ट बनानी है, सदस्यता सूची, सदस्यता अभियान शुरू कर दीजिए, मेंबरशिप की लिस्ट, क्यों, क्योंकि सुनिए वो मैं आपको बताऊंगा, आप 100 मेंबर की लिस्ट, स्क्रीन नहीं हो रहा है, ठीक है हो गया, तो सदस्यता सदस्यता मेंबर्स बनाना शुरू करिए, उनको सर्टिफिकेट दीजिए, उनको मेंबरशिप कार्ड दीजिए, और ये काम पहले नंबर पे करिए, ठीक है, पहला नंबर लिस्ट बनाना। दूसरे नंबर पे ध्यान करिए आपके आसपास कितने लोग हैं जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, रियल एस्टेट जीरो से बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, और उसकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी जगह पे आपके सेंटर पे, आपके जो आपका सेंटर होगा वहां पे, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं हमारे, जैसे गुड पेरेंटिंग का है प्रोग्राम, सेल्स के प्रोग्राम्स हैं हमारे, है ना, सेमिनार बिजनेस है, बुक बिजनेस है, कंसल्टिंग बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस है, वर्कशॉप बिजनेस है, सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया पहले नंबर पे है, सोशल मीडिया का वर्क कीजिए, आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, आज आप जितने व्यापारी लोग हैं उनको आप एक प्लेटफॉर्म पे आप इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे, आप जितने व्यापारी हैं उनसे कांटेक्ट करिए, जाके कहिएगा सर आप हमारे हमारे मेंबर बनिए, हम आपके बिजनेस, देखो आप पहले नंबर पे दूसरे का जब तक बेनिफिट नहीं सोचोगे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, पहले नंबर पे अपने बारे में सोचना बंद कर दो। जितने लोग ये सेल्फिश लोग हैं ना, सेल्फिश होना खराब नहीं है, अच्छा है, मैं खुद बहुत सेल्फिश आदमी हूँ,
सबसे सेल्फिश मैं ही हूँ, क्योंकि सेल्फिश अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। लेकिन पहले नंबर पे आप सामने वाले के अंदर, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिंपैथी, एक होता है इंपैथी। इंपैथी रखो, इंपैथी मतलब समानुभूति, समानुभूति मतलब सामने के जैसे सोचना। तो आप जितने व्यापारी लोग हैं उनके पास जाओ, आप बोलो सर हमारी संस्था में आप जुड़ो, फ्री में पैसे में जैसे जोड़ पाओ वैसे जोड़ो, व्हाटएवर इट टेक्स मेंटालिटी लेके चलना होती है। क्या होती है व्हाटएवर इट टेक्स का मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीके से काम कर रहे, एथिकली बीइंग अ एथिकल पर्सन नॉट अ बीइंग, आप अनएथिकल नहीं काम करेंगे कोई भी, ठीक है। एथिकली आपको वर्क करना है, वर्क एथिक्स के साथ में। तो आप जाओ उनसे कहो कि सर आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी फ्री में मार्केटिंग करेंगे, हम आपको फ्री में कस्टमर देंगे, हम आपको फ्री में बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। तो आपसे लोग जुड़ेंगे, बड़े बड़े व्यापारी जुड़ जाएंगे ना, बड़े बड़े व्यापारी आपको कोई फंक्शन करना होगा ना, फट से पैसा देंगे कि यार हम अपने शहर के लिए ये करना चाह रहे हैं सर, हम अपने शहर में एजुकेशन करना चाह रहे हैं सर, हम अपने अपने यहाँ पे, अभी आपने देखा था ना लॉकडाउन में बहुत लोगों ने क्राउड फंडिंग अपने आप से आप आसपास हेल्प करके बहुत सारे काम निकाल लिए। और संबंध बहुत बड़ी चीज है, कॉन्टैक्ट टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट, संबंध होना जरूरी है। तो 100 लोगों की लिस्ट आपके पास होना चाहिए प्लस, क्योंकि क्योंकि देखिए 10 आप 10 लोगों को जानते होंगे तो 10 लोगों को जानते होंगे, जरूरी नहीं कि हर जगह से हमें पैसे ही मिले। हम इसलिए भी लोगों से मिलते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि उसके क्या पता लिंक कहाँ है, कौन सा कहाँ पे काम आएगा। और ये याद रखिए, पहला रूल क्या है, पीपल नो यू, आपको लोग जानते हो। अगर आपको लोग जानेंगे नहीं तो आप काम नहीं होगा। पहला रूल है सक्सेस का, क्या है, शो अप मतलब दिखना, दिखेगा तो बिकेगा। दिखने का मतलब है कि आपको दिखना है, आपको जाना है मार्केट में, रोज रोज लोगों से मिलना है, रोज संबंध बनाना है, क्योंकि किस अधिकारी से किसके कैसे कॉन्टेक्ट है, वो कहां पर कौन सा आदमी काम आ जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है। कितने लोग आपको जानते हैं, वो लिस्ट एक तैयार करिए। मैं पर्सनल मीटिंग करूंगा आपसे, जब मिलने आऊंगा तो मुझे ये सारी लिस्ट चाहिए होंगी, क्योंकि उनके उनके लिस्ट में क्या क्या चीज होगी, उनका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस कहाँ पे है, क्या है, क्योंकि आप नहीं सोच सकते कितना कितना आपका काम होगा, इससे बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। तो रियल एस्टेट में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट में जीरो से काम होता है। मल्टी फैमिली का हमारा काम है रेंटल प्रॉपर्टी, एक बार पैसा भी नहीं लगाना है, मतलब एक बार भी पैसा नहीं लगाना, हर महीने पैसा आता रहेगा। हम हमेशा बात करते हैं कौन सी इनकम की, पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम मतलब होता है आपको काम नहीं करना है और पैसा हमेशा आता रहे, और आपको खुद नहीं काम करना है, आपके लिए दूसरे काम करें, आपके पास और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, आप बिल्कुल फ्री रहे बिजनेस में। आप ये बिजनेस ही है, मैं इसको बिजनेस ही बोलता हूं, आप इसमें कम से कम समय दें और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप फ्री रहें। 2 घंटे काम करके आप महीने भर का काम कर लें, तो इसके लिए क्या चाहिए होंगे, वॉलंटियर, उनको सैलरी नहीं देना होती। लेकिन हाउ टू, कैसे आप मोटिवेट करते हैं लोगों को कि आपके लिए बिना सैलरी के लोग काम करें, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर इंस्पिरेशन होना चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, आपके अंदर निगोशिएशन होना चाहिए, आपके अंदर बहुत सारी चीजें होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए। बर्दाश्त समझते हैं ना, पेशेंस, धैर्य, सब्र और एंड्योरेंस, सहन शक्ति, है ना। एक वर्ड चला था बहुत अभी थोड़े दिन पहले, चला था सहिष्णुता वर्ड था ना, वो मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या है, सहिष्णुता असहिष्णुता, बहुत दिनों बाद समझ में आया कि वो क्या वर्ड था, सहिष्णु अब भी नहीं बोल पाता हूँ खैर। तो क्या बोल रहा था मैं, देखो भटक जाता हूं मैं पथ से। हाँ, वो टीम रेडी करना है आपको, तो आज फ्री मीडियम से, सोशल मीडिया से उनको कैसे, आप देखिए ग्रुप बनाएंगे, मेरा एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस रेफरल ग्रुप, अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो उसमें हम जोड़ देंगे, उसमें हम लोगों की इनकम बढ़वाते हैं, उसमें रेफरल से काम होता है। मतलब एक आदमी कितने लोगों को जानता होगा, अभी आपके मोबाइल में कितने नंबर है, आप अपने मोबाइल चेक करिए, आपके हर एक के मोबाइल में, मेरे एनजीओ में 1000 महिला मेंबर्स हैं। बहुत सही, वेल डन, आपको तो इतना वर्क, आप तो दाम छाप लोगे, आपके पास तो नोट छापने की मशीन है मैडम, आप तो रात दिन नोट छापोगे। हाँ, 500 कॉन्टेक्ट हैं, अरे ये 500 नहीं है, ये करोड़ों लाखों अरबों हैं। कैसे, ये 500 कॉन्टेक्ट से आप अरबों खरबों कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। कैसे, मेरा जो पावर बेस का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा ज्वाइन करिएगा, मैं आपको बताऊं कैसे मैं 500 कॉन्टेक्ट को लाखों करोड़ों में कर देता हूं। कैसे, डू द मैथ आपको लगाना होती है, कैसे मैथ होती है समझेंगे थोड़ा सा। आपके मोबाइल में कितने नंबर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में 10 नंबर हैं, 100 नंबर, मैं भी आपसे कहूं कि आप मुझे 10 ऐसे नाम दीजिए जो एनजीओ में या रियल एस्टेट में या अपनी इनकम बढ़ाने में या व्यवसाय या मतलब कुछ ऐसे नाम दीजिए जो अर्निंग करते हो, पैसे वाले लोग हों, जो कुछ इंटरेस्टेड हो, तो आपके मोबाइल में कितने कितने नंबर होंगे, बहुत होंगे, है ना। अब खत्म होने वाला है तो अब आए एक सज्जन, तो 10 नाम आप बहुत आराम से अपने मोबाइल में दे देंगे, और हर एक 10-10 से आपको 10-10 नाम लेने हैं,
फिर उन 10-10 से फिर 10-10 नाम लेने, वो कैसे लेने मैं सिखाऊंगा। उसको बोलते हैं रेफरल बिजनेस, रिपीट करना होता बिजनेस। एक से हम बहुत कड़ी बनाते चले जाते हैं ठीक है। तो इस तरीके की सारी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाह रहा हूं, मैं देना चाह रहा हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सीरियस होइए। अब मैंने नोट्स दिए थे, नोट्स पढ़े नहीं किसी ने, है ना। नोट्स पढ़ते तो सारी चीजें आराम होती। बस आप बहुत देर में आए, कहां कहां थे हैं? अब तो दी एंड का टाइम आ गया है, बहुत देर में आए हैं आप। चलो कोई नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए हैं। मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और स्वागत होने के साथ में ही जय हिंद, ओके डाटा, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। टाइमिंग का अगर कोई इश्यू हुआ करे तो मुझे मैसेज कर दिया करिए, मैं टाइम को आगे पीछे कर लूं। अगर 8 बजे कोई मसला है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो बाबा के पास हर चीज का समाधान है। आप मुझसे शेयर तो करिए कि सर हमें टाइम आगे पीछे ऊपर नीचे है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करिए, तो कल मुझे लिस्ट दीजिएगा सोशल मीडिया में जो लोग इंटरेस्टेड हो बिजनेस को ग्रो करना चाहते। देखिए बिजनेस में कौन कौन लोग आपके पास होंगे, मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा कि बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं, छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी, क्यों? क्योंकि इनके पास देखो होता है पैसा। एक मंत्र याद रखिए, मेरा पैसा किसके पास है, ये आप जब भी मिलने जाइए तो उसकी उसकी निगाह में रखिए। अधिकारी देखिए, ऑफिस देखिए, वो पैसा आपका है, वो पैसा है किसके पास। ये बड़ा खराब वर्ड लगता है, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में मैं क्लियर करूंगा कि ये क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि मेंटालिटी जरूरी है। आपको अंदर अगर माइंडसेट नहीं है, राइट माइंडसेट नहीं है, राइट सोच नहीं है, तो भाई दिक्कत है। क्यों? क्योंकि सोच क्या होती है? सोच होती है जो बास की सोच है। एटीट्यूड कैसा चाहिए आपको? एटीट्यूड चाहिए आपको विनिंग एटीट्यूड। एटीट्यूड पे भी हम वीडियो कर लेंगे अगर चाहेंगे। हाँ, तो कल की मीटिंग है, डेली रहेगी, डेली यही टाइम है, यही टाइम 8 बजे ग्रुप में रहें। जो चीजें हैं उनको फॉलो करें, डेली आते रहें। मैं आपको बीमार कर दूंगा ये समझ लीजिए, बिना एक भी दिन मीटिंग अटेंड किए चैन नहीं पड़ेगा सुबह से रात दिन। ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं जिन्हें बहुत फिक्र रहती है मीटिंग की, कमेंट में यस लिख दीजिएगा। बहुत बेताबी से इंतजार रहता है कि कब मीटिंग हो, और वो डेली होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तो एटीट्यूड, माइंडसेट, सारी चीजें, कम्युनिकेशन स्किल, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हम डेली धीरे धीरे करेंगे। ये परमानेंट आईडी है, परमानेंट पासवर्ड है, इसको नोट कर लें, कहीं लिख लें, दीवार पे चिपका लें, माथे पे ऐसे लिख लें, है ना, कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख लें, हाथ पे टैटू बनवा लें। चलिए ठीक है, मिलते हो गए, ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।